देशभर में एनआरसी और सीएए को लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन शुरू है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस कानून के समर्थन में भी लोग रास्तों पर उतर रहे हैं। पुणे शहर में आज बड़ी संख्या में लोग रास्तों पर उतरकर इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। पुणे में 300 फीट का तिरंगा बनाकर एक रैली निकाली गई और इस कानून को समर्थन जताया गया। भव्य तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और बड़े पैमाने पर युवा वर्ग शामिल हुए थे। हम देख रहे हैं कि सीए के सम्मान में आज युवा आज रास्ते पे उतर गया है। जब जब देश में कोई भी आजादी हुई है तो युवा ने आगे आके निकाली है, तो सीए के सम्मान करने के लिए, सीए का समर्थन करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भव्य तिरंगा मार्च का आयोजन आज किया गया। गणेश खिंड मॉडर्न महाविद्यालय से ये शुरुआत हुई और गणेश के जो शिवाजीनगर का मॉडर्न महाविद्यालय है वहाँ पे इसका समापन हो रहा है। तो इस समापन में बहुत सारे युवा वर्ग और बहुत सारे कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस तिरंगा पद यात्रा में सहभागी हुए हैं। दूसरी तरफ पिंपरी चिंचवड़ शहर में भाजपा कार्यकर्ता भी सीएए कानून के समर्थन में उतरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में मकर संक्रांति का कार्यक्रम हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र में प्रथा है कि महिलाओं को हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है। इसमें भी कार्यकर्ता सीएए एनआरसी के समर्थन में प्रचार और प्रसार करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाने के बाद तोहफे में सीएए एनआरसी कानून की पुस्तिका देकर कानून को समझाया जा रहा है और लोगों को इस कानून को लेकर समर्थन में उतरने की बात कही जा रही है। पिंपरी चिंचवड़ शहर के भाजपा कार्यकर्ता ऐसे अनोखे तरीके अपनाने पर चर्चा में बने हैं। मकर संक्रांति च्या हळदी कुंकवाचं आयोजन मी केलं होतं, त्यासाठी मी माझ्या सर्व मैत्रिणी असतील, ज्येष्ठ महिला भगिनी असतील यांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केलं होतं। खरं तर दर मकर संक्रांतीला काहीतरी वस्तू वाण म्हणून लुटली जाते, तर यावेळेस मी जरा वेगळा विचार केला। सध्या देशभर गाजत असलेला विषय म्हणजे सीएए, भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायदा। तर या कायद्या संदर्भामध्ये अनेक समज गैरसमज समाजामध्ये निर्माण झाले आहेत, अनेक ठिकाणी त्याविरोधात निदर्शनं केली जातात। अनेक लोकांना कुठेतरी असं वाटतं आहे की हा कायदा आपलं नागरिकत्व हिरावून घेणारा आहे, तर लोकांना त्याबद्दल माहिती मिळावी, लोकांच्यामध्ये तो संभ्रम दूर व्हावा म्हणून महिलांच्या थ्रू त्या घरामध्ये एक पुस्तिका वाटली, ज्याच्यामध्ये या कायद्यासंदर्भातील विरोध आणि वास्तव या दोन्ही गोष्टींचं विश्लेषण केलेलं आहे। त्याद्वारे लोकांमध्ये अनेक गोष्टी क्लिअर होतील आणि लोकांनाही या कायद्याची पुरेशी माहिती मिळेल। हा कायदा तुमचं नागरिकत्व घेण्याचा नसून हा नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे, हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। आणि यासाठीच मी या हळदी कुंकूच्या निमित्ताने वाण म्हणून ही सीएए माहिती पुस्तिका वाटलेली आहे। VSRS News, पिंपरी चिंचवड।